फ्रेंड्स, ये जो डीजे रिमिक्स स्टेटस देखा, तो ये स्टेटस को कैसे बनाना है आज यहीं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखे बिना स्किप किए, और जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितने सारे मटेरियल सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सेकीपेट बिटमार प्रोजेक्ट सभी मिल जाएगा। उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इस तरह वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, सेकीपेट प्रोजेक्ट और बिटमार प्रोजेक्ट। तो इन दो प्रोजेक्ट को पहले एलाइट मोशन में इनपुट करना होगा, तभी ये स्टेटस एडिटिंग कर पाओगे। तो ये जो दो प्रोजेक्ट है, ये दो प्रोजेक्ट को लाइट मोशन में इनपुट करने के लिए अपने फ़ोन का जो इंटरनेट है उसको ऑन करके रखना हो, ये अपने आप डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद लाइट मोशन में इनपुट करना, तो इनपुट करने के लिए ये जो बगल में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच कर देना, और शेयर ऑप्शन पर टच कर देना, और लाइट मोशन को टच कर देना, तो इनपुट प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसको भी लाइट मोशन में इनपुट कर लेना। तो उसके लिए डॉट पर टच करना, शेयर ऑप्शन पर जाना और एलाइट मोशन को टच कर देना, तो इनपुट प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है इसको टच कर देना, और जो टेलीग्राम से बिटमार प्रोजेक्ट को इनपुट किया था उसको ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये जो बिटमार प्रोजेक्ट है, बिटमार प्रोजेक्ट का इंटरफेस इस तरह दिखाएगा। तो बिट नहीं करना है, बिट में पहले से ही करके रखा हूँ। आप लोग सबसे पहले एक वीडियो को ऐड कर लेना, तो ये वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो पहले उस वीडियो को ऐड करना होगा, तो वीडियो को ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, व्यू ऑल पर चले जाना, और जिस फाइल में ये वीडियो रहेगा उस फाइल को ओपन कर लेना। ऐड करने के बाद ये जो एरो का आइकन है इस पर टच कर देना, और ये जो आगे का हमारा पार्ट है उसको काट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर टच कर देना, तो आगे का जो पार्ट है वो काट हो जाएगा। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो को और कुछ नहीं करना है। उसके बाद फ़ोटो ऐड करना होगा, तो फ़ोटो ऐड करने के लिए पहला सेकंड पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना। तो उसके बाद फ़ोटो को ऐड कर लेना, तो फ़ोटो को टच करना, ये जो ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच कर देना, और ये फुल स्क्रीन कर लेना। उसके बाद ये जो एरो का आइकन है इस पर टच कर देना, और यहाँ से काट कर लेना। उसके बाद फिर से पहला साइकिन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, और एक फ़ोटो ले लेना। उसके बाद थ्री डॉट पर टच करना और फुल स्क्रीन कर लेना। फिर से एरो आइकन पर टच करना और यहाँ से काट कर लेना। उसके बाद फिर से पहला साइकिन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, और एक फ़ोटो ले लेना। उसके बाद थ्री डॉट पर टच करना और फुल स्क्रीन कर लेना। तो ऐसे करके आप लोग पहले सभी फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो मैं सभी फ़ोटो को ऐड नहीं किया हूँ, आप लोग सभी फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो ये जो छोटे छोटे हमारा बीट है, ये छोटे छोटे बीट में हम इफेक्ट लगाएंगे। तो इफेक्ट लगाने के लिए बैक हो जाना, और जो टेलीग्राम से सेकीपेट प्रोजेक्ट को इनपुट किया था उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये जो फर्स्ट में जो हमारा इफेक्ट रहेगा उसको कॉपी कर लेना। तो कॉपी करने के लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना, और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद एक बार एरो आइकन पर टच कर देना, और ये जो हमारा छोटे छोटे बीट है, ये बीट में जितने सारे फ़ोटो रहेगा तो ये इफेक्ट को दे देना। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। फिर से एरो आइकन पर टच करना, फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। फिर से एरो आइकन पर टच करना, फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। तो ऐसे करके आप लोग ये जो छोटे छोटे जितने हमारा बीट रहेगा इस बीट में ये इफेक्ट को, ये जितने सारे हमारा छोटे छोटे बीट में फ़ोटो रहेगा तो ये फ़ोटो में ये इफेक्ट को लगा लेना ऐसे करके। उसके बाद ये जो 9:25 सेकंड के बाद जो हमारा फ़ोटो है, ये जो दो फोटो है, ये दो फोटो में आप इफेक्ट लगाएंगे। तो ये दो फोटो है, और ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो को छोड़ देना है, फिर से ये दो फोटो में लगाना है। तो उसके लिए बैक हो जाना और सेकीपेट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ये जो हमारा दो नंबर पर जो इफेक्ट होगा उसको कॉपी कर लेना। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद 9:25 सेकंड के बाद चले आना, और ये जो फोटो है ये फोटो में इफेक्ट को लगाना है। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद एरो आइकन पर टच करना, फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद ये जो हमारा बीच में फ़ोटो है इसको छोड़ देना। उसके बाद फिर से दो फोटो में लगा लेना।
ऐसे करके, उसके बाद फिर से बीच में जो हमारा ये जो फोटो है ये फोटो को छोड़ देना, उसके बाद फिर से दो फोटो में ये पेड़ को लगा लेना। तो ऐसे करके ये दो, तो ये पेड़ को एकदम लास्ट तक ये फोटो में लगा लेना, ये दो दो फोटो करके ये पेड़ को लगा लेना। तो उसके बाद ये जो जो बीच में फ़ोटो को छोड़ दिया था, तो अब ये फ़ोटो में हम अब इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए बैक हो जाना और सेकबिट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये जो तीन नंबर पर जो इफेक्ट होगा उसको कॉपी कर लेना। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना, कॉपी कर लेना। उसके बाद फिर से बैक हो जाना और बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये जो 9:25 के बाद जो दो फोटो के बाद जो ये फोटो में ये इफेक्ट को लगा लेना। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। उसके बाद ये जो दो फोटो के बाद ये जो फोटो है ये फ़ोटो को छोड़ देना है। उसके बाद ये जो दो फोटो के बाद जो फोटो है ये फ़ोटो में इफेक्ट को लगाना है। तो ऐसे करके आप लोग लगा लेना, एक फ़ोटो को छोड़ना है और एक फ़ोटो में लगाना है। तो ये फ़ोटो को, तो ये फ़ोटो में लगाया है और ये फ़ोटो को छोड़ना है। उसके बाद ये फ़ोटो में लगाना है, उसके बाद जो फ़ोटो आएगा उसको छोड़ देना। तो मैं सही फ़ोटो को ऐड नहीं किया हूँ, आप लोग सही फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो आप जो हम फ़ोटो को छोड़ दिया था वो फ़ोटो में आप इफेक्ट लगाएंगे। तो उसके लिए बैक हो जाना और फिर से इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद लास्ट में जो इफेक्ट होगा उसको कॉपी कर लेना। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना, कॉपी कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना, फिर से बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो ओपन करने के बाद ये जो फोटो है, ये दो फोटो के बाद जो हमारा फोटो है ये फोटो को छोड़ दिया था। तो अब ये फोटो में इफेक्ट लगाना है। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना, पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से दो फोटो के बाद एक फ़ोटो मिल जाएगा। तो ये फ़ोटो में हम इफेक्ट लगाया, उसके बाद ये जो फ़ोटो है ये फ़ोटो में इफेक्ट नहीं लगा। तो उसके लिए फ़ोटो को टच करना, इफेक्ट पर जाना, थ्री डॉट पर जाना और पेस्ट कर देना। एकदम लास्ट तक ये इफेक्ट को लगा लेना ऐसे करके। और वीडियो एडिट करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कर देना। उसके बाद एकदम फास्ट में चले आना। फास्ट में आने के बाद एक PNG इमोजी लगाएंगे। तो उसके लिए प्लस आइकन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, व्यू ऑल पर चले जाना। और एक मैं PNG इमोजी को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उधर से डाउनलोड कर लेना, उसको ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना। ये जो थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और इसको थोड़ा छोटा कर लेना इस तरह। उसके बाद एक बार बैक कर देना और ये जो एरो का है कि नहीं इस पर टच कर देना, और एक बार टच कर देना और ये जो ऑप्शन है इसको टच कर देना। तो जो इमोजी का जो लेयर है वो एकदम वीडियो की लेयर तक आ जाएगा। उसके बाद अगर चैनल का लोगो लगाना चाहते हो तो उसके लिए प्लस आइकन पर टच करना, इमेज वीडियो पर चले जाना, व्यू ऑल पर चले जाना और जिस फाइल में आपका चैनल का लोगो रहेगा उसको ओपन कर लेना और चैनल का जो लोगो है उसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में चले जाना, थर्ड ऑप्शन पर चले जाना, इसको थोड़ा छोटा कर लेना इस तरह। और ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और इस तरह करके आप लोग सेट कर लेना जहाँ रखना चाहते हो। एक बार बैक कर देना और एकदम लास्ट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है इसको टच कर देना। तो लोगों का जो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है इसको टच कर देना और एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट और एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट होने के बाद सेव करने का ऑप्शन आएगा, सेव कर लेना। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था।